अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ खान आमिर खान पठान, AIMIM कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट, हुबली धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो बीते हुए 21 महीने के पहले जो एक हादसा हुआ जो हुजूर के शान के अंदर जो गुस्ताखी किया एक लड़का, फिर उसके कंप्लेंट के दौरान जो बवाल मचा यहाँ पर, और जब जाके रमज़ान का महीना था उस वक्त में, जब जाके हमारे 158 लोगों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में UAP केस में उनके ऊपर डाला गया जो काला कानून है। आज उनकी 37 लोगों की रिहाई हुई है, उससे पहले 2 लोगों की हो गई थी, टोटली 39 लोगों की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई हुई। मैंने आप सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस लड़ाई के लिए जब MLA इलेक्शन का जब दौरा चल रहा था, तो उस टाइम हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब जो स्टेज के ऊपर अपने बयान में ऐलान किए थे कि इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेंगे और तुम साथ देना चाहिए, और यही बात को लेकर अल्लाह ने उनकी ज़ुबान कबूल किया। और सब लोगों की मेहनत है, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की भी मेहनत है, उम्मीदवारों की भी मेहनत है, और इस मेहनत की वजह से आज हमारे 39 लोग जो बाहर। मैं बहुत अफसोस से एक बात कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख दिसंबर को एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो के अंदर जो सोनूर साहब जो अंजुमन के सदर हैं, उबली अंजुमन के सदर, उन्होंने एक वीडियो के अंदर जो प्रेस आपके जैसे माध्यम से उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताते हैं कि हमको कांग्रेस वालों ने हेल्प किया, जमीर अहमद मिनिस्टर ने हेल्प किया, जब उनका सवाल एक आपके जैसा जो बंदा पूछता है कि MIM वालों ने क्या किया, तो MIM में उनका कोई रोल नहीं है। तो मैं आपके तरफ से, आपके माध्यम की तरफ से, मैं सोनूर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि सोनूर साहब, ये लड़ाई हम सब लोग मिल के लड़े, आपको सब कुछ मालूम होने के बाद में तो बड़े अफसोस हुआ है कि सुनने के बाद एक, हाँ, अंजुमन वाले ने क्या किया, अंजुमन वालों ने 21 महीने रहने के लिए उनका योगदान कितना रहा, अगर मैं बोलूँगा तो किसी को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जब हमने जिस दिन अरेस्ट हुए उसी टाइम, क्योंकि अरेस्ट होने वालों में से हमारे सिटी के प्रेसिडेंट बेडिगरी साहब थे, हमारे एक कारपोरेटर के हस्बैंड इरफान गलतवाड़ थे, एक हमारे सिटी के सेक्रेटरी जनरल अबिदीन मुल्ला थे, जिस दिन अरेस्ट हुए दूसरे दिन से ही साहब हुक्म किए कि तुम जाओ जाके इन लोगों का क्या है हकीकत जानो। जब आके मैंने खुद यहाँ पे देखा तो ये झूठे केस में इनको फंसाया गया है, और साहब बोले उसी दिन से पूरी कानून की लड़ाई हम लड़ेंगे। जब कानून की लड़ाई के लिए जब हुबली के कुछ जिम्मेदारों ने, नहीं हम अंजुमन से लड़ेंगे, दूसरे का किसी का हमको कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह मेरे को याद है कि मुन्ना कित्तूर उनके बेटे की शादी थी, उस टाइम वकीलों का जो वकीलों की भी दावत थी वहाँ पे, जब मैंने उनसे जब रब्ता किया तो बोले नहीं साहब, एक केस हम लड़ रहे हैं और बगैर किसी का पाथ पे से लेते हुए, ना कोई अंजुमन का नहीं है, कोई पॉलिटिकल पॉलिटिक्स का नहीं है, हम खुद लड़ रहे हैं। बोला बहुत खुशी हुई, बोला फिर भी हम कोई अगर आपको काउन करना है तो हमारी पार्टी कभी भी तैयार है। ये मैं जुमला उनके सामने बोल के आया था। कुछ दिनों के बाद में ये बात मालूम पड़ी कि ये केस UAPA के अंदर कन्वर्ट हो गया, जब तक UAPA लागू नहीं हुआ। जब UAPA लागू हो गया, जब हमारे उसके अंदर हमारे नजीर हंडार साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साथ साथ कुछ 8 लोग भी जामीन पे जब तक बाहर आ गए थे, उसके बाद में UAPA के लागू हुआ। जैसा ही बाहर आ गए 2-3-4 दिन के बाद में UAPA उनके लागू हो गया। जब से ही जब साहब बोले कि तुम इस, एक काला कानून है, ये कानून बहुत सख्त है, इसको आसानी से मत लेना, एक अच्छे से अच्छे वकील को तुम हायर करो, बोलिए मेरी जिम्मेदारी दी है, या जब मैं उस टाइम जनरल सेक्रेटरी था, जब जिम्मेदारी दी है तो एस बालन साहब जो माहिर एडवोकेट हैं उनको हमने हायर किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उन वकीलों के साथ में हमारी एक मीटिंग हुई, उस टाइम अशरफ अली भी हमारे साथ में बेंगलुरु आए, बेंगलुरु में वो हम बीजापुर के कारपोर सिलेक्शन खत्म करके उधर पहुंचे तो एक मीटिंग हो गई। मीटिंग के अंदर हमने उनको बोला कि बाबा सब लोग मिलकर एक ही वकील देंगे और बच्चों को हम छुड़ाएंगे जो जितने भी लोग अंदर हैं। जब चलो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी साथ दिया, उस टाइम में हम एक वकील को देते 41 लोगों का, जो ग्राउंड्स जो ज़्यादा थे जो छूटने के, उन लोगों के 41 लोगों को हमने हाईकोर्ट के अंदर दायर किया। उस टाइम हमारे 9 लोग थे, उस टाइम 9 लोगों के लिए हमने पेमेंट दिया था, हमने पेमेंट पार्टी की तरफ से असद साहब खुद पेमेंट अदा किया उसको, और बालन को हमने हायर किया। जब बालन 41 लोगों का रिजेक्ट जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जब जाने की नौबत आई तो सुप्रीम कोर्ट के लिए
सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे के पूरे 41 लोगों के लिए असद साहब ने जब वादा किया था जब इलेक्शन के वक्त में कि ऐलान किया अपने फंक्शन के अंदर, पब्लिक फंक्शन के अंदर, हम वक्त पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। जब वही बात के ऊपर अल्लाह ने उनकी ज़ुबान को कबूल किया और उन्होंने पूरा पैसा लगाया हमारे 9 लोगों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल हो गई। जब हमारे सोनूर साहब कहते हैं कि मैं इनको कोई रोल नहीं है, हमने तो सवाल की बात पूरे पूरे 21 लोगों का हमने पैसा देने के लिए और पूरे 21 लोगों के लिए लड़ने के लिए 3 टीम बनाकर, एक टीम मैसूर चली गई, एक टीम बल्लारी चली गई, एक टीम गुलबर्गा, और ज्यादा से ज्यादा गुलबर्गा में हमारे आरोपी जो एक्यूज थे ज्यादा से ज्यादा वहीं पे लोग थे हमारे, कि 41 लोगों का पूरा के पूरा खर्चा उठाने के लिए पूरे असद साहब ने हुक्म किए थे कि हम पूरा देख लेंगे तुम लड़ो, कोई साथ नहीं दी। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि इतना प्रेशर घर वालों को आया अंजुमन की तरफ से ही, कोई कोई सिग्नेचर नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी आ गई है, हम केस पीछे लेने वाले हैं, आसानी से जब काम होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक आ जाने की क्या जरूरत। वो तो तमाम वादे झूठे निकले, कांग्रेस के इलेक्शन के 2 महीने बाद तमाम को रिहा करवाएंगे इस तरह उन्होंने कहा था, जो कि झूठा हो गया वादा। लेकिन जहाँ तक सोनूर साहब की बात आप कर रहे हैं, तो उनसे जो सवाल किया गया उस सुप्रीम कोर्ट में जो हालिया जो रिलीज हुए हैं 35 या 37 लोग, उसमें यमान की तरफ से कुछ फंड्स दिया गया क्या? दिया गया है, मैं मेरे पास में रसीद भी है, मेरे पास में रसीद है। अच्छा, मैं आपको अगर बोलूंगा तो आप उसको, तो वो सवाल इस जीवन में था। मैं आपको मैं बताऊं जी, हमने तो पूरे 41 लोगों के लिए अकराजात पूरा साफ देने को तैयार थे, लेकिन उस टाइम इन्होंने मना किया। बालन को हमने 8 लाख रुपए दे के हायर किए, वो है हमारे पास 8 लाख रुपए, हमने मैं खुद अपने हाथों से, मेरे साथ में भी यमान की पार्टी से, पार्टी की तरफ से असदुद्दीन साहब ने उसको पेमेंट किया। अच्छा, उसके बाद में जब पेमेंट हुआ कोतवाल साहब को हमने पेमेंट किया, बाय अकाउंट पे दिए उनको 6 लाख, 5 लाख, 25,000, 5 लाख 7 लोगों के लिए। हाँ, सवाल इसी पर था वो, सात जो हालिया है ना मेरे पास में रसीद है, कोतवाल साहब को ऑलरेडी रसीद भी बताता हूँ, रसीद है हमारे पास। कोतवाल साहब को हमने, कोतवाल साहब को हमने पैसा, मैं पैसा दे रखे हम बड़प्पन किए बोल के नहीं, आज बोलने वाले भी नहीं थे, सदर साहब ने बहुत कुछ वहां पे बैठ के करते हैं, लेकिन सोनूर साहब ये बोलना उनके लिए शोभा नहीं देता, एक जिम्मेदार हजरत हैं, एक उम्र वाले हैं। उसके बाद में यहाँ ये जो बाद में बेल के लिए पैसा भरना था कोर्ट को, वो भी 3 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट से पैसा भेज दिया। किसको? वकील को दिया, वकील साहब को भेज दिया, फिर वकील साहब ने कोर्ट में पैसा भरा, वो जमानत के लिए 50,000 एक बंदे के लिए, तो 6 लोगों के लिए 3 लाख रुपए हमने भर दिए। साहब ने तो 41 लोगों के लिए पूरा ऑर्डर किए थे, लेकिन इन लोगों ने लिए नहीं। जब मुझे मालूम पड़ा, बहुत अफसोस की बात है, कुछ देखो ये अकेले का काम नहीं, सब लोग मिलके लड़ना चाहिए, कोई मॉरल सपोर्ट करना चाहिए, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, कोई भागदौड़ की जिम्मेदारी लेके करना चाहिए, लेकिन सोनूर साहब बैठ के ना किसी को करने दिए, ना खुद अपे खुद करे। आपके जुमला आप ही खुद बोले कि वादा फेल हो गए। देखो साहब, कांग्रेस का वादा था वो कांग्रेस का वादा था, या हमारे सोनूर साहब का वादा था, या सोनूर साहब वालों की टीम का वादा था, या आप बेहतर अच्छी तरह हुगली वाले जानते हैं। मैं आपको अच्छा और बुरा का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आया, लेकिन उन्होंने हमारे MIM का नाम लेके जब बोला है अपने इंटरव्यू में, उसका मैं खुलासा करने के लिए आया। मुझे उम्मीद भी है कि पूरे के पूरे जिस दिन उन्होंने रिहा हुए, उसी दिन हमारे सब लोगों को बुला के मैं बोला कि तुम रिहा हुए, लेकिन 103 लोग जो अंदर अभी बैठे हुए हैं, उनके घर वालों की हालत जो हो रही है, हम सब लोग मिल के उनके लिए मेहनत करेंगे, उनके सब जो लोग मिल के अगर हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे वो रिहा हो सकते हैं, और रिहा के लिए जब तक मेहनत नहीं करते जुमलेबाजी से नहीं चलने वाला, उसको मैदान में आके काम करना पड़ता है। तो इसलिए बाकी जो 103 जो भी मुलजिम अंदर हैं, तो उसमें कोई MIM के हैं या फिर उसमें भी आपका ताउन रहेगा आगे इन फ्यूचर? मैं आपको बताऊं, हम पूरे 41 लोगों के लिए करने के लिए तैयार थे, तो उसका मतलब क्या हमारा ताउन नहीं रहेगा बोल के नहीं है, लेकिन 7 लोग नहीं लेना है बात को लेकर। 7 लोग मैं भी उनको मैं दोष नहीं देता, वो अंदर के रहने वाले लोगों को कुछ पता नहीं होता, यहाँ से कोई बोलता होगा जाके भेटी लेके जब बोलता तो पापा बेचारे कबूल कर लेते थे, जब गांव के जिम्मेदार बोल रहे हैं तो बाबा हमको मान के चलना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी उनको इज्जत दे करके वो रख। देखो इज्जत देने वाला अल्लाह है, वो कौन से भी जरिए इज्जत देता है, लेकिन आज खुलासा करने की नौबत भी नहीं आती थी, अगर ये वीडियो के अंदर ये सवाल नहीं होता तब हम बताते भी नहीं थे। हम करके बताना ये कोई काम या मजलिस का नहीं है, लेकिन इसका जवाब भी देना मजलिस का काम है।
नहीं तो कल गुमराही में लोग नहीं रहना कि बाबा साहब आया और अपना ऐलान कर दिए खाली हम सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे। उसके अंदर मेरा भी नाम है, हम पठान को मालूम है, उसके अंदर मेरे कोई वीडियो क्लिप है आपको मैं बताता हूँ, पठान को मालूम है उनको अच्छी तरह लड़ रहे हैं, जो मेरी जिम्मेदारी थी आज मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, अकला की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोग जो बैठे हुए हैं जो अब जो बेल पे हैं यहाँ की लोकल हालत को लेकर अभी भी घबराए हुए हैं, मेरे को मालूम है कितना प्रेशर नलतवाड़ की फैमिली को आया, कितना प्रेशर जैनुल आबिदीन के घर को आया, मैं खुद जानता हूँ, मेरे को तक फोन करके बोलने को लगा है बोलो बालन साहब को सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए मत बोलो, बालन वापस एडवोकेट मुझे फोन करके पहल भी बेल की वो भी जो है इरफान नलतवाड़ के ससरे साहब ने की, उसी से पहले तो एमआई वाले किए थे, तीन लोगों ने सिग्नेचर जो किए थे बालन साहब ने उसको रुकवा दिया, मैं आप नाम लेके बोल रहा हूँ उनको, बालन साहब को उन लोगों का प्रेशर इसलिए कि अगर कोई जाएगा तो एक दरवाजा हमारा सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो भी अगर बंद हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के कदम उठना चाहिए। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्रगुजार भी हूँ, उसके बाद में जो मेहनत किए जो नलतवाड़ के ससरे हो या रहन रिहान के जो घर वाले जिम्मेदार हैं मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि हुबली वाले की जितने भी जो मेहनत किए हैं वो अंजुमन के लोग अंदर के लोग बहुत अच्छे हैं, वो भी काम करने वाले लोगों में ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, ये सब लोगों के मेहनत से काम हुआ, लेकिन जितना जितना काम हुआ है उनका नाम लेना ज़रूरी भी है, उनको याद रखना भी ज़रूरी है, बाकी के लोगों के लिए काम के लिए भी हमें मेहनत करने होना, ऐसा नहीं कि तुमने हम जानते ने अरे मेरे भाई उन्होंने अगर कांग्रेस से मोहब्बत करना चाहते हैं तो करने दो, लेकिन हमने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा ना, है हमने तो अच्छे के लिए हाथ बढ़ाया था, जब सवाल का जवाब सही देना था, यहाँ अगर गलत बोलेंगे तो ऊपर जाके क्या बोलेंगे, वहाँ तो एक है, वहाँ भी एक कोर्ट है हमारा, वहाँ भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, मुझको भी देना पड़ेगा उनको भी देना पड़ेगा, अल्लाह उसी से पहले उनको भी और हमको भी हिदायत दे और सही रास्ते पर चलाने की तौफीक दे।